हमारे साथ नदीम खान साहब हैं जो पिछले कई माह से हिंदुस्तान में होने वाली जिनसी के वाकयात आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मामलों में इन्होंने बड़ा पहल किया है। बहुत सारे मामलों में इन्होंने इश्यूज़ को रेज करने के लिए बहुत ही बड़ी कोशिश की है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हिंदुस्तान में पहुंचा है। हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज़ें उठ रही हैं, इसमें इनका बड़ा दखल रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों को इकट्ठा करना, जागरूक करना। आज हम बात करेंगे इसी मामले पर और ये जानना चाहेंगे कि नदीम अहमद साहब की कोशिशें किस तरह की हैं और इस वक्त हिंदुस्तान में जो माहौल पैदा हुआ है लिंचिंग के मामलों को लेकर के मुसलमानों को, अकलियतों को, वो इस मामले में क्या महसूस करते हैं? लिंचिंग के मामलों में देखना पड़ेगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया में। ये काफ़ी अरसे से लिंचिंग के केसेस अलग अलग रूरल इलाकों में चल रहे हैं। झारखंड में आपने सुना होगा कि ये किसी भी औरत की प्रॉपर्टी पे, जब कभी विधवा औरत होती थी या अकेली औरत होती थी, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना होता था तो पहले उसको डायन बताया जाता था। ऑर्गेनाइज तरीके से डायन बताने के बाद फिर उसकी लिंचिंग करी जाती थी और उसको जान से मार दिया जाता था कि ये बच्चों को मारती है, प्रेत आत्मा है, डायन है। या आप याद करें उड़ीसा में जब भाजपा और बीजू जनता दल की सरकार थी, जब अभी बीजू जनता दल अलग है, उस समय भी उस वक्त में कंधमाल के आदिवासियों के ऊपर एक पूरी ऑर्गेनाइज भीड़ ने हमला किया था और आपको याद होगा कि महीनों वो आदिवासी कंधमाल के जंगलों में रहे थे। तो ये लिंचिंग का हिस्ट्री कोई ऐसा नहीं कि अभी अचानक से लिंचिंग हो गई हो। लिंचिंग हमारी सोसाइटी में पहले से एक ये कल्चर डेवलप था कि एक भीड़ आती थी और वो इंस्टेंट जस्टिस या उसको जंगल जस्टिस कह सकते हैं, वो जंगल जस्टिस डिलीवर करती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बदलाव ये है कि ये भीड़ बहुत ऑर्गेनाइज हो चुकी है, इसके मोटिव बहुत क्लियर हैं और जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका संरक्षण इसको हासिल है। तो इस समय वो भीड़ जो एक अनऑर्गेनाइज और कुछ छोटे छोटे इलाकों में घटनाएं करती थी, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गई है और इसीलिए उस भीड़ के मुकाबले ये भीड़ ज़्यादा खूनी है। आइडिया कुछ भी नहीं है, ये तो इंडिविजुअल्स के कॉल हैं। अलग अलग तरह से लोग जुड़े हुए हैं जिनको लगता है कि वाकई ये एक ख़तरनाक चीज़ है। पहली बात तो ये है कि जिन केसेस में जस्ट आप पूरे लिंचिंग के जो बड़े बड़े जितने वाकयात हैं आप उनको उठा के देखेंगे तो कन्विक्शन रेट ज़ीरो है। ग्राम स्टेन्स को 1999 में उड़ीसा में, ग्राम स्टेन्स एक ऑस्ट्रेलिया का पादरी था, कोड़ियों की वो सेवा करने के लिए उड़ीसा आया हुआ था, तो उसको जो है वो अंगुल शायद इलाका था उड़ीसा का, 1999 में उसके दो छोटे बच्चों की, जिसमें से एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 6 साल थी, एक वैन में इसी भीड़ ने जला दिया था। और जो जलाने वाली भीड़ थी उसका नृत्य तो बजरंग दल का वहाँ का अध्यक्ष दारा सिंह कर रहा था। दारा सिंह को कोई सज़ा नहीं हुई। फिर 2006 में एक बड़ी लिंचिंग का वाकया प्रोफेसर सप्परवाल का हुआ। प्रोफेसर सप्परवाल वाइस चांसलर थे उज्जैन यूनिवर्सिटी को, ABVP के गुंडों ने, पूरी एक भीड़ ने उनको उनके ऑफिस के अंदर ही उनको मार डाला। उसमें कोई सज़ा नहीं हुई, हालांकि वो जो मारने वाला जो मेन एक्यूज था तोमर, उसने बाद में सुसाइड कर लिया, लेकिन जो दूसरा को एक्यूज था वो अभी भी किसी बोर्ड का चेयरपर्सन बना हुआ है मध्य प्रदेश में। और तोमर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ में, तोमर जब ग्वालियर जेल में बंद था तो उससे मुलाकात के लिए शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर खुद पहुँचे थे। तो कन्विक्शन का अखलाक के केस में एक आदमी मर जाता है, उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाता है और तिरंगा लपेट दिया जाता है। तो पूरे सारे जितने भी केसेस हैं, इन सारे केसेस में कहीं भी कन्विक्शन नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि कहीं ना कहीं हमको जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की भी लोअर कोर्ट से बात करनी चाहिए कि क्या वजह थी। मोहसिन शेख एक पूना का जो दोबारा सीरीज शुरू हुई, अखलाक से पहले मोहसिन के शेख की लिंचिंग हुई थी। नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहा था, एक भीड़ उसको मारती है और मारने के बाद फेसबुक पे पोस्ट करती है कि एक विकेट गिर गया, और 22 लोग CCTV फुटेज में होते हैं, 19 का बेल मिल जाता है, इस वक्त सिर्फ 2 लोग जेल में हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको इन केस का भी रिव्यू करना चाहिए और इन केस के रिव्यू करने के बाद आगे कम से कम बेसिक लेवल पर लोगों को न्याय मिल सके और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। क्योंकि जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी तो उन पर ये मैसेज अब तक यही जा रहा है कि वो इस व्यवस्था में सुरक्षित हैं। जो इस दौर का प्रशासन है, इस दौर की सरकार है, जो आज की हुकूमत है, वो कहीं ना कहीं उनका तहफ़ कर रही है, उनको बचा रही है, जिससे वो इस तरह की घटनाएँ लगातार होती जा रही हैं। भीड़ का जवाब भीड़ नहीं, पहली बात तो ये
कि अगर आप एक भीड़ का मुकाबला दूसरी भीड़ लेके करने निकलेंगे और वहीं पे जस्टिस डिलीवर करने निकलेंगे, तो मुझे जहाँ पे हम लोग को एक लॉन्ग टर्म के अंदेशे जाहिर होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो बात है कि एक लिंचिंग कहीं होती है तो उसकी FIR कराने में, उसको लिखाने में, उसको बताने में हफ्तों तक का टाइम निकल जाता है। पता चला आज ये इंसिडेंट हुई है, FIR ही नहीं लिखी जा रही है। दो दिन बाद FIR लिखी गई, वो FIR सही नहीं थी, फिर ऐसा FIR इम्प्रूव कराई गई, कोर्ट से FIR लिखाई गई, जबकि ये जो दो ये जो घटना पुणे, वो पुणे की नहीं बल्कि अहमदनगर की घटना है। तो अहमदनगर की घटना में इमीडिएट जो है वो पकड़ा गया। तो हमारा एक सोचने का ये कि ये जितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये गौरक्षक आ रहे हैं, बल्कि इन्हें गौ आतंकी कहना चाहिए, ये आ रहे हैं, तो इनका एक टारगेट ये भी है, ये खुद ही वीडियो बनाते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि खुद ही मार रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी है वो इस पर रिएक्ट करे, वो इस पर रिएक्ट करे और कुछ इस पर हंगामा करे, कुछ मारपीट करे, तो फिर उनको मास लेवल के इस चीज़ को कन्वर्ट करने में, बड़े लेवल पे इसको कन्वर्ट करने में आसानी हो। तो हमको रिएक्ट नहीं करना, ये इमीडिएट बात है कि हमको अगर हम इन सब अगर एक भीड़ वो ले के आ रहे हैं और दूसरी भीड़ लेके हम रिएक्ट करने लगे, तो फिर उनको हमारी पिटाई करने का एक पूरा सिस्टमेटिक स्टाइल मिल जाएगा और वो करेंगे। जहाँ तक पूना की घटना हुई, उसमें देखिए कि गौ आतंकी जो है वो 5 लोग मिलके मार रहे थे किसी को, एक आदमी बचा, बाकी भाग गए, फिर 50 लोग आए उसको रोकने के लिए, जाहिर सी बात है उन्होंने भी पिटाई करी, उसमें से 7 लोगों पर 307 के केस बुक हुए, 4 लोगों पर माकोका लगा। तो 4 लोगों पर माकोका लगना और 7 लोगों पर जानलेवा हमला करना, कि यानी कि अब वो जो लोग अगर आके भी रोकना चाहें तो अब वो रोकने के नहीं, तो ये भी एक ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ने मैसेज दे दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। जिस दिन ये पूना वाली घटना हुई थी, उसी दिन नागपुर का एक कस्बा है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, एक वहाँ पे डॉक्टर था और वो व्हाट्सएप ग्रुप में उल्टे सीधे इस्लाम के डिफेमिंग मैसेज भेजा करता था। लोगों ने उसको मना किया, नहीं माना, एक कुछ लड़कों का झुंड जो है जाके उसके अस्पताल में गया, नर्सिंग होम में, वहाँ तोड़फोड़ करी, पता चला कि वो 3 घंटे के अंदर FIR भी हो गई और उसमें से 14 लोगों की अरेस्ट भी हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि वो सिस्टमेटिकली अगर हमें प्रोवोक करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो बहुत बायस है, तो कहीं हम ऐसा ना हो कि उसी जाल के अंदर फंस जाएं कि वो वीडियो देखें और वो वीडियो देखने के बाद हम रिएक्ट करें और वो ऐसा रिएक्ट करें कि पता चला हम उनको तो कुछ सज़ा नहीं हुई और हम ही जेल चले गए। लोगों को अवेयर कराना चाहिए, आपके कम्युनिटी के, हमारे कम्युनिटी के, जितने भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको लोगों के बीच में जाके संवाद स्थापित करना पड़ेगा। उनको लोगों के बीच में जाके पहली बात तो ये प्रॉब्लम है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, इस पे डायलॉग होना चाहिए। फिर जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब जैसे जुनैद जिस ट्रेन में मारा गया, उस ट्रेन में 100 लोग के आसपास तो मौजूद रहे होंगे, उस डिब्बे में 50-60 लोग मौजूद रहे होंगे। अब आप उन 50 से जाके बात करेंगे तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो घटना हुई वो गलत घटना हुई, लेकिन उनमें इतना हौसला नहीं बचा कि वो जो है उसको रोकने के लिए सामने आते। तो वो रोकने के लिए लोग सामने आए, गलत को गलत समझें, इसके लिए हमें पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, लोगों में हौसला बढ़ना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें शिक्षा देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक जुडिशियल प्रोसेस है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो उस जुडिशियल प्रोसेस की तरफ जाएं। और दूसरा उसके साथ साथ काम ये है कि लीगल लेवल पे हमें लीगल टीम बनानी पड़ेगी, लोगों को उसमें मदद करनी पड़ेगी, ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको सज़ा हो। अम्बेडकर का एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि कानून से ज़रूरी नहीं है कि इन समाज में नैतिकता आ जाए, लेकिन कम से कम उसका बिहेवियर तो बदल सकता है, आदमी का बिहेवियर कंट्रोल में रहेगा। तो अगर सज़ाएं होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो आतंकी बने टहल रहे हैं वो सुधर के बहुत शरीफ आदमी बन जाएं, लेकिन उनका बिहेवियर सही होगा, वो बिल्कुल राइट टाइम होगा सोसाइटी में रहेंगे, कि अगर कोई गलत काम करते हैं तो फिर उनको सज़ा मिलेगी।